Hello students of class 7th, here I am with this video of chapter number 2, that is Gifts of Chappal. Let's continue with the next line. Lastly we left, my party says it's time you found another house to bag from. Last line हमने क्या पढ़ी थी कि रवि ने उस बैगर से क्या बोला था कि मेरी पार्टी कह रही है कि ये समय आ चुका है, आप यहाँ से दूसरे घर में चले जाइए भीख मांगने. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो beggar था वो क्या कर रहा था, अपनी आंखें बड़ी करके क्या कर रहा था, उसको देख रहा था उन चिल्ड्रन को one by एक एक करके. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feelings, are very kind soul. बड़े ही दयालु, मतलब बहुत ही जैसे गिड़गिड़ाते हैं ना, बहुत इमोशंस के साथ वो उन सब लेडीज को क्या करने लगा, बोलने लगा. और आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. मैं आप सबकी दया से पूरे हफ्ते, मेरी बॉडी जो है आप लोगों की दया से इतना सब कुछ हो रहा है, मेरी आपकी इतनी अच्छी दयालुता, जेनरोसिटी आपने पूरे हफ्ते मुझ पर दिखाई. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे एकदम से ऐसे क्या कर देंगी, यहाँ से भेज देंगी, अपने से दूर कर देंगी. ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ सेड हिज विल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल. वो अपनी आवाज़ से चिल्लाने लगा कि अम्मा अम्मा, बहुत दुख वाले उससे चिल्लाने लगा वो. एंड सर्टेनली क्या हुआ, एक अजीब सा वहाँ पर बिहेवियर और माहौल क्रिएट हो गया. इट बिगेन इन अ डीप, वो सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी. रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, उसकी जो बेली थी वो क्या हो रही थी, जैसे लटक जाते हैं ना पेट, उस तरीके से लटक रखा था. और एक गड़गड़ाहट, रंबल, स्ट्रॉन्ग रंबल, गड़गड़ाहट थी उसकी आवाज़ में एक. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुँह से क्या ये सब बातें निकल रही थी फटाफट से. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और उसके जो दांत थे वो क्या हो रहे थे, ब्राउनिश से चमक रहे थे, जैसे कि उसने क्या किया हुआ हो, सुपारी चबा रखी हो. रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी उसकी मदर ने क्या कहा कि रवि उससे कह दो जाकर के कि किचन में कुछ नहीं बचा है खाने के लिए. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे कह दो यहाँ दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है. शी साउंडेड फैड अप, और मतलब जैसे कोई आप मतलब कोई भिखारी डेली डेली आता है तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डेली यहाँ पर आ जाता है, ऐसी रुकुमनी का बिहेवियर था, वो फैड अप हो चुकी थी उस भिखारी से. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो उसकी मदर ने कहा था रुकुमनी ने, वो ईजली उस को सुनाई दे रहा था. दे आर अंडर द नीम ट्री, वो नीचे वहीं बैठा हुआ था नीम ट्री के, तो वो सब बातें जो रुकुमनी बोल रही थी वो ईजली उस बैगर तक पहुँच गई थी. द बैगर सैट अप एंड साइड, बैगर खड़ा हुआ, भिखारी खड़ा हुआ, वहाँ से चला गया और देखने लगा. आई विल गो ही सेड वेयरली, बहुत ही अजीब ढंग से उसने कहा कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बस मुझे यहाँ आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो धूप है, जो सन है, वो क्या हो रहा है, बहुत तप रहा है. और जो रोड पर जो तार कोल है वो क्या हो रही है, वो क्या पिघलने लगी है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में, मेरे फीट्स में क्या हो चुका है, छाले पड़ चुके हैं. ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, अपने पैर उसने बाहर को स्ट्रेच आउट किए और दिखाने लगा, देखो मेरे पैरों पर क्या हो चुका है, छाले पड़ चुके हैं. और ये क्या हो चुका है, पूरा सोल नंगे पाँव रहकर क्या हो चुका है, इसमें छाले पड़ चुके हैं और ये पिंक पिंक हो गए हैं. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Bridu whispered to Meena and Ravi. Bridu फुसफुसाने लगी मीना और रवि से कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कहीं पुरानी चप्पलें रखी हुई हैं? I don't know, said Ravi. रवि ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता.
माइन आर टू स्मॉल, मेरी तो क्या है, मेरी चप्पलें तो बहुत ही छोटी हैं, टू हिज फीट, उसके पैरों के लिए क्या है, बहुत ही छोटी है। और आई हैड गिवन देम टू हिम, जो मैं इसको दे देता अगर मेरी चप्पलें इसके पैर में आती। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मेडोज एंड मीनस, और इसके पैर तो क्या है, बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं मृदु और मीना के कंपैरिजन में। द बैगर वाज अ शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटन हिज धोती, उसने क्या किया, भिखारी ने अपने ऊपर के कपड़े थोड़े शेकअप किए एंड उसने अपनी धोती को थोड़ा सा टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें रेज की एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और रोड की तरफ एक डरे भाव से देखने लगा। एंड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, इस तपतपाती धूप में वो कैसे जाएगा, और धूप क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने क्या कहा कि इसको अपने पैरों में कुछ चाहिए पहनने के लिए। हर बिग आईज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर, इसकी आंखें क्या हुई है, भरी हुई हैं आंसुओं से, क्या रखी है, भर रखी है। एंड ये इसके लिए क्या, इसके साथ क्या नहीं होगा, फेयर नहीं होगा अगर हम इसको ऐसे ही जाने दें। श सेट रवि, रवि ने क्या कहा, चुप हो जाओ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, कि इट्स नॉट फेयर बोलने से कुछ नहीं होगा, इसकी मदद नहीं हो जाएगी ऐसा करने से। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में इसके पैरों को क्या हो जाएगा, भुरता बन जाएगा, जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इन अ पेयर ऑफ इज अ पेयर ऑफ चप्पल, इसे क्या चाहिए, पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ से मिलेंगी, कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं घर में। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, रवि ने क्या किया, मीना को और मृदु को घर में खींच लिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरेंडा, मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, जैसे वो अंदर जाने लगे तो क्या हुआ, मेरू की आईज किस पर पड़ी, ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, जो वहां पर चप्पल्स रखी हुई थी, पुरानी सी चप्पलें, उसकी नजर मृदु की वहां पर गई। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसने रिमाइंड किया कि जब वो आई थी तो यहाँ पर चप्पलें रखी हुई थी। तो रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, तो मृदु ने क्या किया, रवि को बोला, हुज आर दोज, ये किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग, रवि ने इधर उधर देखा और अजीब सा लुक देने लगा। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, ये तो बहुत गंदी है। ही बीम्ड एंड नोडेड, नहीं, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, हाँ वैसे ये क्या है, एकदम सही साइज है उसके पैरों के लिए। उसने क्या किया, पिकिंग देम अप, उसने उन चप्पलों को उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, वो घबराते क्या हुआ उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगी। हियर सेड रवि टू द बेगर, तो रवि ने बेगर से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस भिखारी के सामने, उस ओल्ड मैन के सामने उन्होंने चप्पल रखी और कहा कि ये रही चप्पलें, वियर दीज, इन्हें पहनो एंड डोंट कम बैक, और यहाँ दोबारा वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, जो भिखारी था वो चप्पलों की तरफ घूरने लगा। हरिडली फ्लंच हिज टॉल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इन टू दैम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू दीज चिल्ड्रन, तो क्या वो फटाफट से उसने अपनी धोती, अपना गमछा फटाफट टाइट किया और फटाफट से अपने फीट को उसने चप्पलों में लगाया, उसने वो चप्पल पहनी और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहां से बड़बड़ाता हुआ आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। इन अ मिनट, और कुछ ही मिनट्स बाद, ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही मिनटों बाद वो वहां से स्ट्रीट से कॉर्नर की तरफ से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, इतना में क्या हुआ, म्यूजिक मास्टर घर से, कमरे से बाहर निकले, हाउस से बाहर आए एंड टू कैन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जब वो बाहर आए उन्होंने एक अनअप्रिशिएट, एक अजीब सा लुक देते हुए उन तीनों बच्चों की तरफ देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, क्या खेल रहे थे वो, मार्बल्स, पत्थर खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरेंडा वेयर ही हैड पुट देम, फिर क्या हुआ, जो मास्टर जी थे वो अपनी चप्पलों को इधर उधर वरेंडा में देखने लगे जहाँ उन्होंने रखी थी। लल्ली ही कॉल्ड, उन्होंने लल्ली को आवाज लगाई। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ पलों बाद उन्होंने लल्ली को आवाज लगाई। शी हरीड अप टू हिम, वो फटाफट भागते हुए मास्टर जी के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, तो उन्होंने उससे पूछा कि माई डियर तुमने क्या मेरी चप्पलें देखी। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर,
मुझे याद है कि आपने यहीं पर रखी थी अपनी चप्पलें। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरेंडा। तो क्या हुआ, रवि, मृदु और मीना चुपचाप क्या कर रही हैं वहाँ, नीम के पेड़ के नीचे से बैठे हुए देख रहे हैं किसको, लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को, जो क्या कर रहे हैं कॉर्नर्स में, वरेंडा के कॉर्नर्स में क्या कर रहे हैं, चप्पलों को ढूंढ रहे हैं। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन नैम। वो इधर उधर देखने लगे, ढूंढने लगे, खोजने लगे, फ्लावर पॉट्स की तरफ नीचे देखने लगे कि कहीं वहीं तो नहीं रख दी मैंने उनके आसपास। ब्रांड न्यू देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम ही वेंट ऑन सिंग। कौन कह रहा है ये? ये मास्टर जी कह रहे हैं कि एकदम नई चप्पलें थी वो, एंड मैं उनको कहाँ लेने गया था, माउंट रोड पर गया था। और वो ये बार बार बात रिपीट कर रहे हैं कि नई चप्पलें थी, माउंट रोड से लिया है मैंने, ये वो ऐसे करके बार बार ये बात को रिपीट करने लगे। द कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, पूरी महीने की फीस लग गई इन चप्पलों को खरीदने में। डू यू नो, तुम्हें पता भी है? सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। इतना में क्या हुआ, लल्ली फटाफट से अपनी मदर के पास गई अंदर और अपनी मदर को बताया। रुकुमनी अपीयर्ड, इतना में रुकुमनी आती है वहाँ पर बाहर, लुकिंग हैरेस्ड विद पार्टीज फॉलोइंग हर, थोड़ी परेशान से दिखती हुई क्योंकि पार्टी उनसे बातें कर रही थी तो शायद कुछ बात हुई होगी। वे गुड देवी, कहाँ जा सकती हैं, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये थोड़ा अजीब सा है कि किसी ने आपकी चप्पलें चुरा ली यहाँ से। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत से ठेले वाले आते हैं यहाँ पर दरवाजे पर। वरीड पार्टी, पार्टी ये बात बोलकर थोड़ा परेशान हो गए। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, रुकुमनी ने किसकी तरफ देखा, रवि, मृदु एंड मीना, जो कहाँ बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, वो उनसे कहने, क्या तुमने तो नहीं, एंड देन सीन दे ओवर क्यूरियसली क्वाइट, वो क्या हो गए, चुप हो गए। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरेंडा, और सब इधर उधर धीरे धीरे देखने लगे। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईज ब्रोज। तो क्या हुआ, रुकुमनी के जो हेड है यहाँ पर, क्या हुआ, वी शेप का निशान हो गया। जब हम किसी को ऐसे घूरते हैं तो हमारे ऐसे रिएक्शन देते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या, वी शेप बन जाती है। तो अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्रेजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट, एक तो रुकुमनी कहती सॉफ्ट कॉर्नर लेडी थी, बट ये सब जब हुआ तो उसको बहुत ही गुस्सा आया। थॉट मृदु विद अ शिवर, तो जो मृदु थी वो थोड़ी सी डरी सहमी दिखाई थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। वो ये सब बताना चाहती थी कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि पुअर बेगर जो था वो नंगे पाँव ऐसे कैसे जा सकते हैं धूप में। शी ट्राइड टू हर सेल्फ, वो बताने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, उसने लंबी सांस ली, शी क्राइड, वो चिल्लाई, रुकुमनी, रुकुमनी चिल्लाई, देयर वॉज अ बैगर हेयर, यहाँ एक भिखारी बैठा था, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु डोंट अप हेयर। तो रुकमणि किसकी तरफ देख के बोलने लगी, रवि की तरफ, कि कहीं तुमने तो नहीं मास्टर जी की चप्पलें, म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, तो जो पार्टी थी वो बड़े ही अजीब वे में बोले, आजकल के बच्चे तो बस। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। तो बोलने लगे, अम्मा आप ही ने तो बताया था कि करना ने क्या किया था, अपनी सब चीज़ें दे दी थी एक बार, अपनी गोल्ड इयररिंग्स, वो कितना काइंड था, जनरस था। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी, तो रुकुमनी बोली, क्या बेवकूफ, क्या बेहुदा बात है ये, करना डिंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, करना जो था वो दूसरों की चीज़ें नहीं दिया करता था, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी चीज़ें दिया करता था दूसरों को। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. लेकिन मेरी चप्पलें जो हैं वो तो किसी के पैर में नहीं आ सकती। रवि रश ब्रशली ऑन, रवि ये कहने लगा कि लेकिन मेरी चप्पलें तो किसी के पैर में नहीं आ सकती ना, जो मैं अपनी चप्पलें दे देता। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड,
अगर सच में मेरी चप्पलें भिखारी को आ जाती थी तो आ जाती तो क्या आपको इस बात से दिक्कत ना होती? रवि सैड रुकुमनी। रवि ने रुकुमनी से कहा, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी चिल्लाने लगी कि रवि अभी के अभी क्या करो, अंदर चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। शी हरिड इंडोर्स, वो भी अंदर भागी। कौन? रुकुमनी। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। वो अंदर से रुकुमनी क्या लाई, नई चप्पलें लेकर आई गोपू मामा की, जो उन्होंने एक दो बार ही पहनी थी। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, शायद ये चप्पलें आपको फिट आए, प्लीज आप इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा जो बेटा है वो थोड़ा शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, और म्यूजिक मास्टर की आंखें जो क्या हो गई थी, वो चमक उठी थी। हे पुट दैम ऑन, उन्होंने वो चप्पलें पहनी, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे वो खुश ना हो सबसे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, हाँ पहननी तो पड़ेंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वॉट टू डू, आजकल के बच्चों को जो है ना बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, और किया भी क्या जा सकता है। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, जैसे कि हनुमान थे उन्हें किसने सुधारा था, रामा ने ही सुधारा था, नॉटी बिहेवियर था उनका, नॉटी फेलो था। रुको मनीज आईज फ्लैश, रुको मनी की आंखें थोड़ी फ्लैश हुई खुली। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। रवि मतलब जब म्यूजिक मास्टर ने ये सब बोला, उन्होंने किससे कंपेयर किया रवि को, हनुमान से, हनुमान जी से, तो रुकुमणि को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे बेटे को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मंकी से कंपेयर कर रहे हैं, इवन अ होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। रुकुमनी का जो बिहेवियर था ये सब बातें सुन के थोड़ा सा क्या हो गया, स्टिफ, अड़िग हो गई वो, थोड़ा अजीब बिहेवियर हो गया उनका, गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें, और जो अपना वे था उनका साइड तो था, वो दरवाजे की तरफ था, फ्रंट डोर की तरफ, और ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो ये चाह रही हो कि ये मास्टर जी तुरंत अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। जब उन्होंने वो चप्पल पहनी और वहाँ से चले गए तो बोली मृदु से कि चलो अंदर आओ और खाना वाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, तो कहने लगी सच सच बताओ कि तुम बच्चे ये सब कैसे सोचते हो, क्या क्यों किया तुमने ये। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजन वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, शुक्र करो कि गोपू मामा ये चप्पलें अपने काम पर पहन कर नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाव। जब रुकुमनी किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ अंदर जाने लगी तो वो क्या हुआ, रुकुमनी क्या करने लगी, हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन जो तुम्हारे गोपू मामा है ना, जब भी वो घर में जल्दी आते हैं तो फटाफट हरी हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, वो फटाफट क्या करते हैं, अपनी चप्पल इधर फेंकते हैं, सॉक्स उधर फेंकते हैं, और क्या करते हैं, चप्पल पहनने की कोशिश करते हैं जब भी घर में आते हैं। वॉट योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग वेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, क्या कहेंगे तुम्हारे गोपू मामा जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आपकी चप्पलें किसको दे दी हैं, म्यूजिक मास्टर्स मास्टर को। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय वसंता सूर्य फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरू चक्का टोन्स अप। थैंक यू। ये भी दिया है।